हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अड्डा रिव्यू दा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके फ़ोन की कुछ हिडिंग सेटिंग्स के बारे में, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इन सेटिंग्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। और अगर आपके नंबर का कोई मिसयूज कर रहा है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सेटिंग है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस सेटिंग का नाम है कॉल फॉरवर्डिंग। दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका कि लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक कोड के ज़रिए कॉल फॉरवर्डिंग करना सिखाया है। और आज मैं आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में दी गई कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में बताऊँगा। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि आपके नंबर पर आई हुई कॉल को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर देना ही कॉल फॉरवर्डिंग होता है, क्योंकि कोई भी बड़ी आसानी से ही इसका यूज़ कर सकता है और आपकी सारी की सारी बातें सुन सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये सेटिंग हमारे फ़ोन में हमें कहाँ देखने को मिलती है और इसे कैसे हम डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और समझते हैं इसके बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर एंड यहाँ पे आपको कॉल लॉग में चले जाना है। कॉल लॉग में जाने के बाद आपको ऊपर टू डॉट्स दिख रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको कैरियर कॉल सेटिंग में चले जाना है। कैरियर कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि कॉल फॉरवर्डिंग करके आ रहा है, आपको इसमें चले जाना है। इसके बाद आपसे ये सिम वन या सिम टू पूछेगा, तो आपको जिस भी सिम की कॉल ट्रांसफ़र करनी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं 2 की करके दिखाता हूँ, तो अभी ये रीडिंग सेटिंग करके ऐसे आएगा, तो ये सारी सेटिंग को रीड कर लेगा, उसके बाद ओपन होगा। ये 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा और उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो अभी इसने सारी सेटिंग्स जो हैं वो रीड कर ली हैं और अभी हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ गया है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन अभी इस टाइम पे आ रहे हैं, उन सब में उनकी सेटिंग में जाने का यही तरीका है। अब बात करते हैं इन चारों सेटिंग्स के बारे में कि इनका क्या यूज़ है और कैसे इनको यूज़ करना है। अगर आपके नंबर पे ये पहले से ही इनेबल है तो इसको कैसे डिसेबल करना है और क्या इससे फ़ायदा है, क्या इसके नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या मतलब है। तो पहले जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑलवेज फॉरवर्ड, तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर देंगे जो आप जिस पे कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे ऑलवेज़ फॉरवर्ड में जाके आप अगर उस नंबर को ऐड कर देते हैं तो आपके नंबर पे आई हुई जितनी भी कॉल्स हैं वो सारी की सारी उस नंबर पे चली जाएंगी जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके इस नंबर पर नहीं आएंगी, सारी की सारी उस नंबर पर चली जाएंगी। सपोज़ मैं अपने भाई के नंबर पर आने वाली सारी की सारी कॉल्स को अपने नंबर पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं अपने भाई के फ़ोन में यहाँ इस सेटिंग में जाके ऑलवेज़ फॉरवर्ड के ऑप्शन पर जाके और यहाँ पर मैं अपना नंबर ऐड कर दूँगा। जब मैं यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर दूँगा तो उसके नंबर पर जो भी कॉल करेगा बंदा, तो वो सारी की सारी कॉल्स मेरे नंबर पे यहाँ पे आएंगी और इसके बाद मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि उसको कौन कॉल कर रहा है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे उस बंदे का नाम कैसे पता चलेगा जो मुझे कॉल कर रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज के टाइम में सभी के फ़ोन्स में ट्रू कॉलर नाम का जो ऐप है वो हर किसी बंदे के फ़ोन में होता है। तो आप वहाँ जाके किसी भी नंबर को पेस्ट करोगे तो आसानी से आप उसके नाम या उसका कौन सा ऑपरेटर का सिम यूज़ कर रहा है या कौन सी जगह से कॉल कर रहा है, ये सब आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसके अगले ऑप्शन के बारे में, जो नीचे आपको वैन बिजी करके दिख रहा है। तो यहाँ पे जब आप कोई नंबर ऐड करते हैं तो जब मैं अपनी सिम 2 से मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ और मेरा नंबर बिजी होगा, तो जो भी पर्सन इस मेरे सिम 2 पे कॉल करेगा तो वो सारी की सारी कॉल्स बिजी होने की वजह से सारी की सारी कॉल्स जो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड 2 करके ये जो नंबर डाल रखा है इस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ये जो नंबर है ये मैंने एक टेम्पररी नंबर ऐसे ही डाल के रखा है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। बाकी आप यहाँ पे जब भी आप अपना नंबर डालो तो एक जेन्युइन नंबर डाल के आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो और अपडेट करने के बाद सारी की सारी कॉल उस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएंगी।
अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन व्हेन अनआंसर्ड। तो जब आपके पास में कोई कॉल करता है और आप उसका जवाब ना देना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक नंबर ऐड करके रख सकते हैं। जब आप यहाँ पे वो नंबर ऐड कर देंगे तो जब भी वो बंदा आपको कॉल करेगा जिसका आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो वो सारी कॉल जो है वो उस बंदे के नंबर पर चली जाएंगी जो आप यहाँ पर ऐड करोगे। इसके बाद बात करते हैं नीचे जो लास्ट ऑप्शन है व्हेन अनरीचेबल। जब आपका फ़ोन अनरीचेबल दिखाएगा, जब मेरी दो नंबर सिम जो है वो अनरीचेबल बताएगी, तो जितनी कॉल्स हैं वो दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, फॉरवर्ड हो जाएंगी जो मैं नंबर यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी काम का है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज फॉरवर्ड में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको अपना कोई भी नंबर डाल के यहाँ पर छोड़ देना है। आपको सही नंबर टाइप करना है, ये मैंने बस ऐसे ही टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है, और नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑन पे क्लिक करेंगे आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी, और आप ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल हमेशा के लिए उस नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगी जो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। और जब भी आपको वो कॉल डिसेबल करनी हो तो वापस से आपको यहीं पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद में ये जो नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे इस नंबर को यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो वो जो कॉल फॉरवर्ड आपने किया था वो आपके फ़ोन से हट जाएगा। अब जो कॉल आपके नंबर पे आएंगी वो सिर्फ आपके पास ही आएंगी, ना कि उस नंबर पे जाएंगी जो आपने पहले यहाँ पे ऐड किया था। इसके साथ ही आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा अगर आपके नंबर पे किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग को इनेबल करके रखा था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके नंबर पे अगर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग को इनेबल कर रखा था तो यहाँ पे उसका नंबर शो हो जाएगा जिस नंबर पे आपकी जो कॉल है वो फॉरवर्ड हुई थी, तो वो नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं, कुछ इस तरीके का नंबर कुछ पड़ा होगा जो भी नंबर है जिस पे कॉल फॉरवर्ड थी, तो आप यहाँ से उसको ऐसे करके हटा सकते हैं और उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद जो भी कॉल आपकी फॉरवर्ड हो रखी थी वो हट जाएंगी। तो फटाफट से जाइए और अपने फ़ोन में जाके इसको ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।